सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। लोकतंत्रीय परंपरा में संसद को लोकतंत्र के मंदिर की उपमा दी गई है। भारत दुनिया का सबसे विशाल और संभवतः सबसे मजबूत लोकतांत्रिक प्रतीक है। देश के कोने कोने से आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर लोकतंत्र के इस मंदिर यानी संसद भवन भेजते हैं, ताकि वो आपके हक में आवाज उठा सके और आपके अधिकारों को एक आकार मिल सके। ये तभी संभव है जब संसद की कार्रवाई का संचालन सही रूप से हो सके, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्पीकर पद पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी काल से किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। पूरे देश की जनता का ये विश्वास भरोसा रहता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात सदन के माध्यम से करेंगे, और जो सभी दलों ने विश्वास व्यक्त किया है, ये पीठ, ये सभापति की कुर्सी निष्पक्ष होनी भी चाहिए और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। सरलता से संवाद ही इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत है। आम से लेकर खास तक ये लोकप्रिय हैं। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने ये साबित किया कि पक्ष और विपक्ष के ऊपर अगर सर्वोच्च है तो वो है जनता। राजस्थान की माटी की शान और सादगी है जिनकी पहचान। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला ने अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया। इन 3 सालों में उन्होंने कई कीर्तिमान रचे हैं। बतौर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कामकाज की बदौलत कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें सबसे ऐतिहासिक रहा 17वीं लोकसभा का पहला सत्र। इस सत्र के दौरान कुल 37 बैठकें हुई और लगभग 280 घंटे तक ये बैठक चली। ये पहला मौका था जब लोकसभा की कार्रवाई देर तक चली, जिस दौरान रिकॉर्ड 128% काम हुआ। इसी सत्र में सदन ने आधी रात तक रेल मंत्रालय के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा की थी, जिस दौरान लोकसभा की कार्रवाई लगातार रिकॉर्ड 13 घंटे तक चली थी। इस सत्र में सदस्यों ने शाम देर रात तक बैठकर 1086 अविलंब लोकमत के मामले उठाए गए। भारतीय संसद के कई काम संसद समितियां करती हैं। संसद समितियों के कामकाज में सदस्यों की उपस्थिति काफी मायने रखती है। जिस तरफ लोकसभा अध्यक्ष का खास ध्यान है, उनकी पूरी कोशिश है कि समिति से जुड़ा सदस्य ज्यादा से ज्यादा बैठकों में भाग ले, जिससे तय समय पर काम का निपटारा हो सके और समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति इस तरफ विशेष रूप से काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में समितियों के लिए कई नई पहल की गई, जिसके तहत सांसदों को तत्काल जानकारी उपलब्ध हो रही है। समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के बाद उसका फायदा जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ड्राफ्ट रिपोर्ट को पेशेवर तरीके से तैयार करने में विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। जांच के लिए विषयों के चयन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 14वीं लोकसभा सत्र में पहले सत्र से 8वें सत्र तक 929 घंटे चर्चा हुई थी। 15वीं में 798 घंटे चर्चा हुई थी। 16वीं में 929 घंटे की चर्चा हुई थी और 17वीं में पहले सत्र से 8वें सत्र तक 995 घंटे चर्चा हुई, जो कि पिछले 3 लोकसभा के पहले 8 सत्र तक की कार्य अवधि की तुलना में सबसे अधिक है। माननीय सभी सदस्यों को आज बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। थैंक यू।
14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के पहले 8 सत्रों में पारित विधेयकों की तुलना में 17वीं लोकसभा के पहले 8 सत्रों के दौरान प्रत्येक विधेयक पर चर्चा का औसत समय अधिक रहा। मतलब किसी भी विधेयक को पारित करने से पहले सदन में उस पर काफी लंबी चर्चा हुई, तब देश हित में कोई कानून बना। आइए अब आपको बताते हैं कि 14वीं लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक विधेयकों पर कितनी लंबी चर्चा हुई और कितने सदस्यों ने भाग लिया। 14वीं लोकसभा में 174.42 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें चर्चा करने वाले सदस्यों की संख्या 1038 थी। 15वीं लोकसभा में 135.15 घंटे की चर्चा में 921 सदस्यों ने भाग लिया। 16वीं लोकसभा में 192.45 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें चर्चा करने वाले सदस्यों की संख्या 1246 थी। और 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक 327.32 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें रिकॉर्ड 2151 सदस्यों ने भाग लिया। किसी भी विधेयक पर लंबी चर्चा के पीछे लोकसभा अध्यक्ष का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा सांसदों की भागीदारी को सदन में शामिल करना। साथ ही उनकी ये भी कोशिश है कि सभी दलों के लोग चर्चा में शामिल हों। जनहित से जुड़ा मुद्दा हो या विधेयक, जितनी चर्चा होगी उतनी जानकारी जनता तक पहुंचेगी। तभी कई बार सदन की कार्रवाई अध्यक्ष देर तक भी चलाते हैं। कोई भी मौजूदा सांसद अपनी बात रखने से छूट ना जाए, इसलिए कई बार शून्यकाल देर रात में भी लिया गया। राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान पिछले 4 सत्रों को अगर देखा जाए तो तय समय हो या सदस्यों की भागीदारी, सबसे ज्यादा फर्क 17वें सत्र के पहले 8 सत्रों में देखने को मिला। 14वें सत्र में कुल 7.08 घंटों में 266 सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा में शामिल हुए। 15वें सत्र में कुल 65.20 घंटों में 419 सदस्य चर्चा में शामिल हुए। 16वें सत्र में कुल 72.10 घंटों में 676 सदस्यों ने राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा में अपनी भागीदारी दिखाई, जबकि 17वें सत्र के पहले 8 सत्रों में ही 61.10 घंटों में 518 सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा में भाग ले चुके थे, जो ये दर्शाता है कि लोकसभा अध्यक्ष सांसदों की संसद में भागीदारी को लेकर कितने गंभीर हैं। पहली बार लोकसभा सचिवालय संबंधित मंत्रालयों और विभागों से संपर्क कर रहा है ताकि शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामलों पर प्रतिक्रिया मांगी जा सके, और समय समय पर सचिवालय मंत्रालयों से संबंधित मामलों की जानकारी भी ले रहा है ताकि सांसदों तक तय समय में उचित जानकारी पहुंच सके। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। इस सत्र को कामकाज के लिहाज से काफी बेहतर माना गया। इस सत्र में 129% काम हुआ। सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के साथ ही इस सत्र में 27 बैठकें की गईं, जो 177 घंटे 50 मिनट तक चली। मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में योगदान देने के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सदस्यों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूं। बतौर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल के पहले 2 साल का ज्यादा वक्त कोरोना संकट में गुजरा। पूरे देश की निगाहें संसद की तरफ थी। आशंका थी कि क्या अब चलेगी संसद, पर सारी आशंकाओं को दूर करते हुए संसद के सत्र भी चले और कामकाज भी हुआ। कोरोना नियमों को देखते हुए इतिहास में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अलग अलग समय पर चली। संसद भवन परिसर में हैंड सैनिटाइजर, नैपकिन और साबुन की पर्याप्त व्यवस्था सहित संसद भवन के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम रही। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, संसद ने इसी फॉर्मूले पर काम किया। कोरोना काल में सदन की उत्पादकता 122% रही।
और लोकसभा से 107 विधेयक पारित हुए। साथ ही देश के जनप्रतिनिधियों ने कोरोना वीरों का हौसला भी बढ़ाया। संपूर्ण देश ने सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मियों, एयरपोर्ट के कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया ने जिस तरीके की सेवाएं प्रदान की, उसके लिए हम सब उनका अभिवादन करते हैं। मैं चाहूँगा कि सदन एक बार खड़ा होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन करे। लोकसभा की कार्रवाई में पहली बार हिंदी का प्रयोग पूरी तरह शुरू हुआ है। पहले बिल पास करने के दौरान यस या नो का प्रयोग किया जाता था। विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ, हां वालों के पक्ष में। लोकसभा अध्यक्ष ने इन 3 सालों में न सिर्फ सदन को सुचारू रूप से चलाया बल्कि प्रशासनिक कामों को भी अपनी सूझबूझ से व्यवस्थित किया। इन कहीं मार्गदर्शन में कागज की खपत को कम करने के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया। 17वीं लोकसभा में डिजिटल तकनीक के अधिकतम प्रयोग के कारण वित्तीय संसाधनों में कुल 668.86 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व बचत देखी गई। नए भारत के निर्माण में डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका असर संसद में देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहल पर ही एक ऐसा ऐप तैयार किया जिस पर सदस्यों को संसद से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध हो रही है। आपके सुलभ उपयोग के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल टैबलेट में जैसे उपकरणों पर संसद की कार्रवाई के प्रसारण के साथ साथ संसदीय पत्रों और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेज को देख सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर संसद टीवी की सोशल मीडिया टीम चंद मिनटों में सांसदों को उनके भाषण की क्लिपिंग उपलब्ध करा रही है जिसे लेकर सांसद भी काफी खुश हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल की तस्वीर बदल गई है। पहले के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा सांसदों को प्रश्नकाल में बोलने का मौका मिला। अनुरोध करते हैं कि मराठवाड़ा के क्षेत्र को सेंट्रल रेलवे के साथ जोड़ा जाए। ले से फ्यांग होते हुए नुब्रा तक के जो 2 पावर ट्रांसमिशन लाइन है, क्या ये अभी तक पेंडिंग है? बीन फॉर्मली सैंक्शनड एंड मालकनगिरी इज पेंडिंग विद रेलवेज फॉर अप्रूवल। महिला सांसदों को भी लोकसभा में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। माननीय सदस्य प्रमिला विषय व माननीय सदस्य है जो एक ही गांव में 70,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में सभी सदस्यों को सिखाने का काम करते। मुआजी लोकसभा रे महिला सशक्तिकरण अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उत्थापन करूछी। इतना अच्छा विधेयक लाया है, हम आशा करते हैं हमारा स्टेट के लोगों को जस्टिस मिलेगा। गुजरात के लोगों ने जो भूमि देनी थी वो भूमि भी दे दी और साथ में वहाँ काम भी शुरू हो गया। नेम्स ऑफ 7 कॉरिडोर्स हैव बीन सैंक्शनड बट नो बजटरी सपोर्ट हैज बीन अलॉटेड। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एमएसएमई फेसेस लॉट ऑफ क्राइसिस फाइनेंशियली। आज कहीं ना कहीं हमारा अधिकार और हक हमसे दूर है। जो एमपी है, जो डॉक्टर है, वो सोसाइटी में 2%। मैं सभी ऑपोजिशन वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि महिला पहली बार 78 महिला सांसद ये हाउस में आए हैं तो हम लोगों को मौका देना चाहिए अपने विषय यहाँ पर रखने के लिए, बात करने के लिए। अधिकतर महिला सांसदों को किसी न किसी डिबेट या शून्यकाल में बोलने का मौका मिला। संसद में कामकाज के साथ गुणवत्ता को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वोपरि रखा जिसमें प्रधानमंत्री तथा पक्ष विपक्ष का उन्हें पूरा सहयोग मिला। लोकसभा अध्यक्ष की ही पहल पर नए संसद भवन का काम शुरू हुआ था जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमृत महोत्सव के इस पावन काल में देशवासियों को जल्द मिलेगा अपना नया संसद भवन। कम समय में ही जिस तरह इन्होंने पूरे देश का भरोसा जीता है उसके बाद कहा जा सकता है कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में और बढ़ेगा। अब देश की जनता संसद पर सवाल नहीं उठाती। जनता को सब्र है कि उसके अधिकारों की रक्षा चुने हुए प्रतिनिधि जरूर करेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र है जनता का।
जनता के लिए।